हाई गाइज, आई एम आदित्य सराफ। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू बेस्ट होम चेस्ट वर्कआउट विदाउट एनी इक्विपमेंट। गाइज, योर बॉडी वेट इज गुड इनफ टू पम्प अप योर चेस्ट। देर आर टोटल 6 एक्सरसाइजेज इन दिस वर्कआउट, 30 सेकेंड्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 30 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट। वी विल डू लास्ट एक्सरसाइज फॉर 1 मिनट। यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट फॉर दिस, यू जस्ट नीड अ चेयर और स्टेयर्स फॉर दिस वर्कआउट। सो वार्म अप योर बॉडी फर्स्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है हिंदू पुशअप। हिंदू पुशअप हमारे अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जैसे कि चेस्ट, ट्राइसेप्स, अपर बैक एंड शोल्डर्स। ये हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव करता है। इस एक्सरसाइज को हम 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे, फिर हम 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। ये एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप्स और चेस्ट मसल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में हमें अपने हाथों से डायमंड शेप बनाना है। हमारी बैक स्ट्रेट रहेगी और जब हम नीचे आएँ, ये डायमंड शेप हमारी चेस्ट के सेंटर में आना चाहिए। जब हम ऊपर आएंगे, हमारा पोजीशन एकदम प्लैंक पोजीशन ऐसा रहेगा। नीचे आते हुए हमें इनहेल करेंगे और ऊपर आते हुए एक्सहेल। रिपीट दिस फॉर 30 सेकेंड्स। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है स्पाइडरमैन पुशअप्स। ये पुशअप्स हमारे अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे कोर स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करता है, स्पेशली एब्स एंड ओब्लिक्स। आपने स्पाइडरमैन को मूवीज़ में दीवार पर चढ़ते हुए तो देखा ही होगा, वैसे ही हमें ज़मीन पर करना है। नीचे आते हुए हमें नीज़ और एल्बोज़ को टच करने की कोशिश करनी है। अगेन इस एक्सरसाइज को हम 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे, फिर हम फिर से 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेके अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप। नॉर्मल पुशअप करने में हम अपना 70% बॉडी वेट लिफ्ट करते हैं। जब हम अपने फीट्स को कहीं थोड़े ऊपर प्लेस करते हैं, जैसे मैंने चेयर पे किया है, तो हम और भी ज़्यादा बॉडी वेट पुशअप के टाइम यूज़ करते हैं। डिक्लाइन पुशअप नॉर्मल पुशअप और इंक्लाइन पुशअप से हार्ड होते हैं। ये हमारे अपर चेस्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसे हम 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे, फिर अगेन 30 सेकेंड का रेस्ट लेके अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप्स। अगर हमसे बेसिक पुशअप्स नहीं होते तो हम इंक्लाइन पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं। ये पुशअप स्टार्ट करने के लिए बेस्ट वे है। हम इंक्लाइन पुशअप्स कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे कि वॉल पे, चेयर पे या फिर स्टेयर्स पे। इससे हमारी चेस्ट और ट्राइसेप्स मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं। अगेन वी विल डू दिस एक्सरसाइज फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन टेक रेस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, देन वी विल मूव ऑन टू आवर लास्ट एक्सरसाइज। हमारी सिक्स्थ और लास्ट एक्सरसाइज है स्लो पुशअप्स। आई मस्ट टेल यू, दिस इज़ द किलर वन। देखने में हमें लगेगा कि ये बहुत ईजी है, पर ये एक्सरसाइज मैंने लास्ट में इसलिए रखी है कि ये सबसे ज़्यादा हार्ड बन जाए। जब हम पूरा वर्कआउट करके इस वर्कआउट पे आएंगे, हमारा चेस्ट मसल पहले से ही सोर हो चुका होगा, तो इस एक्सरसाइज को करने में हमें थोड़ी मुश्किल होगी। इसमें हमें प्लैंक पोजीशन से स्टार्ट करके नीचे आना है। ध्यान रहे, हमें नीचे 4 से 5 सेकेंड का टाइम लगा के आना है, फिर वापस ऊपर आएंगे। ऊपर आते हुए हम नॉर्मल स्पीड में भी आ सकते हैं या स्लो भी आ सकते हैं। स्लो ऊपर आने में और भी ज़्यादा एफर्ट लगेगा। बाकी एक्सरसाइज हमने 30 सेकंड के लिए करी, इसे मैंने 1 मिनट के लिए रखा है ताकि लास्ट एक्सरसाइज और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। पूरा 1 मिनट करना ही करना है। अगर करने में दिक्कत लगे बीच में, तो हम नीज़ को ज़मीन पर रख के कर सकते हैं। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर वर्कआउट। आई एम श्योर यू वोंट फील योर चेस्ट आफ्टर डूइंग दिस वर्कआउट। ट्राई टू डू 2 to 3 sets ऑफ दिस वर्कआउट and do share with your family and friends if you like this video, and subscribe my channel and press the bell icon so you won't miss any of my posts. Thank you.